यमुना किनारे श्री श्री पुकारे। नमस्कार, मैं हूं नवजोत। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त है मुद्दा का और आज हम बड़ी कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल की। लेकिन उससे पहले एक और खबर आ रही है, मौसम का मिजाज थोड़ा सा खराब हो गया है क्योंकि हल्की बारिश शुरू हो गई है। कुछ समय पहले तेज बारिश हो रही थी और मौसम थोड़ी बहुत खलल डाल सकता है इस कार्यक्रम में। फिलहाल बता दें 5 बजे का वक्त है जब कार्यक्रम की शुरुआत होनी है। तस्वीरें हम आपको वहीं से दिखा रहे हैं। दुनिया की संस्कृतियों का महामिलन यहाँ पर होने वाला है, यमुना किनारे श्री श्री रविशंकर का ये वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल। लेकिन उससे पहले बारिश शुरू हो गई है वहां पर। बता दें कि ओपन में ये पूरा फेस्टिवल हो रहा है, कहीं भी शेड नहीं है, लेकिन इस वजह से लग रहा है कि शायद ये बारिश थोड़ी खलल डाल सकती है इस पूरे कार्यक्रम में। कुछ ही क्षणों में कार्यक्रम की शुरुआत भी होने वाली है, तमाम कलाकार वहां पर पहुंचे हुए हैं। पायल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं, वेन्यू से ही हैं। पायल, आपसे हम जानना चाहेंगे बारिश हो रही है फिलहाल, वहां पर क्या स्थिति है? कार्यक्रम क्या ठीक समय पर ही शुरू होगा या फिर उसमें कुछ फेरबदल हो सकता है समय में? हालांकि ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से अभी तक कुछ नहीं कहा गया है कि क्या प्रोग्राम डिले हो रहा है थोड़ी देर के लिए या फिर थोड़ी देर रुकना चाहे। लेकिन आपको बता दें मौसम एकदम बदल चुका है, यहाँ पर तेज बारिश यहाँ पे हो रही है। और अगर आप पूरे का पूरा स्टेज देखिए तो आपको पूरे का पूरा स्टेज सफेद रंग में व्हाइट शीट में नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पॉलिथिन शीट से अब आर्टिस्ट उनको अपने सर के ऊपर लेकर अपने आप बचाव कर रहे हैं क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही है। तमाम वो आर्टिस्ट के साथ उनके इंस्ट्रूमेंट भी है जिनको उनको भीगने से रोकना होगा। लेकिन यहाँ पर कोई फेरबदल नहीं किया गया अभी तक, कार्यक्रम यूं ही जिस समय से चलना था उसी समय से चलेगा। लेकिन लोगों में हमें यहाँ अब भी उत्साह नजर आ रहा है। उनका कहना था कि इतने दिनों से गर्मी पड़ रही थी, आज मौसम अच्छा है, हालांकि थोड़ी सी बारिश जरूर हो गई, परेशानी हो रही है, लेकिन ये कृपा है जो आज बरस रही है। पायल, चलिए लोग तो यही मान रहे हैं, भक्त हैं, वो यही कह रहे हैं कि कृपा है जो बरस रही है, लेकिन यमुना बेल्ट पर ये कार्यक्रम हो रहा है तो ऐसे में अगर बारिश थोड़ी सी भी तेज होती है तो भी अंदेशा जताया जाएगा क्योंकि जिस तरीके की वहां पर जमीन है उसको लेकर कहीं ना कहीं परेशानी जरूर हो सकती है। पंडाल, टनों में पंडाल बना हुआ है और ऐसे में क्या उस पर तो कोई खतरा नहीं है? बिल्कुल, यहाँ पे ये बहुत ही बड़े एरिया में इस पूरे के पूरे वेन्यू को सेटअप किया गया है और वेन्यू आपको बता रहे हैं कि अलग अलग जोन्स में डिवाइड कर दिया गया है। कुछ जोन से पंडाल लगाए गए हैं लेकिन वो इंक्लोजर्स जो है वो डाइनिंग एरिया है या फिर मीडिया के लिए है या फिर जहाँ पर जनरेटर्स के सेट्स रखे गए उसके पास, बाकी पूरा का पूरा पंडाल खुले मैदान में यहाँ पर सजाया गया है। लेकिन जब पार्किंग की बात की जाए, इस पूरे के पूरे इलाके को समतल कर दिया गया था, बुलडोजर चला के एकदम फ्लैट कर दिया गया था, लेकिन कई एरिया भी ऐसे हैं जहां पर मिट्टी जो है हल्की सी सॉफ्ट यहां पर नजर आ रही है और पूरे के पूरे इलाके में कीचड़ हो गया। लेकिन जिस एरिया में लोगों का बैठने का इंतजाम किया गया था उसको पूरे के पूरे एरिया को कारपेट से ढक दिया गया है ताकि बिल्कुल भी ना डस्ट हो ना वहां पे कीचड़ हो। चलिए पायल, आप हमारे साथ रहिए, वेन्यू पर पायल मौजूद है, कार्यक्रम के बारे में हमें लगातार जानकारी दे रही है। लेकिन उससे पहले कितनी भव्यता है इस कार्यक्रम की, क्या कुछ यहाँ पर होने वाला है, जरा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आध्यात्म गुरु श्री श्री रविशंकर के आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से आयोजित ब्रह्मनाद की ये गूंज आप भूल नहीं पाएंगे। गीत संगीत और कला के जरिए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश, दुनिया की संस्कृतियों का महामिलन, इस अद्भुत अनुभव को ना ये मंच भूल पाएगा और ना ही इसके गवाह लोग। ये तो महज आगाज है, अगले 2 दिनों तक 155 देशों के 36,000 कलाकार इस मंच पर अपनी कला बिखेरने वाले हैं। विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर का विश्व सांस्कृतिक महोत्सव की शुरुआत नाद स्वरम से होगी। इसके बाद 2011 में ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हो चुकी चंद्रिका टंडन अपने ग्रुप के साथ प्रस्तुति देंगी। इस रंगारंग कार्यक्रम के बाद 100 पंडित वैदिक मंत्रों का उच्चारण करेंगे। इसके बाद आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर 10 मिनट का संबोधन करेंगे। उनके संबोधन के बाद देश विदेश के कलाकार अपने अपने प्रदेशों के रंग बिखेरते नजर आएंगे।
13 मार्च तक चलने वाले कार्यक्रम के लिए इंतजाम भी बेहद भव्य किए गए हैं। पूरा आयोजन स्थल 1000 एकड़ में बनाया गया है। सिर्फ 7 एकड़ में तो स्टेज तैयार किया गया है। इस मंच पर एक साथ 35,000 लोग बैठ सकते हैं। मंच के नीचे बैठने के लिए 1.5 लाख कुर्सियां लगाई गई हैं। मंच भी इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि देखने पर आपको इंद्रलोक जैसा एहसास होगा। अपने आप में अनूठे इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह बना हुआ है। मैनेजमेंट इज जस्ट टू गुड, बहुत अच्छा मैनेजमेंट हो रहा है। म्यूजिशियंस आर ऑल्सो वेरी हैप्पी। कभी देखे नहीं ना इतने बड़े प्लेटफॉर्म, तो उन लोगों ने बिलीव भी नहीं कर पाए थे जब हम लोग बोले थे, जब हम लोग स्टेज उनको शोकेस किया, दिखाया थोड़ा बहुत वीडियो में क्लिपिंग्स, तब उनको बिलीव हुआ कि हाँ इतने बड़े प्लेटफॉर्म में हम लोग जाके परफॉर्म करने वाले हैं। कार्यक्रम इतना बड़ा है तो सुरक्षा भी उतने ही बड़े पैमाने पर की गई है। पूरे इलाके को 13 जोन में बांटा गया है। सुरक्षा में कोई चूक ना हो इसलिए दिल्ली पुलिस के अलावा SPG और NSG, CISF और पारा मिलिट्री ने भी मोर्चा संभाल रखा है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों की मौजूदगी के चलते 5 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आतंकवादी हमले के खतरे से निपटने के लिए स्वैट कमांडो की तैनाती की गई है। इसके अलावा आर्ट ऑफ लिविंग के 5,000 कार्यकर्ता भी सुरक्षा में लगे रहेंगे। मेटल डिटेक्टर बना रहे हैं, मतलब इंस्टॉल कर रहे हैं, और वहाँ पुलिस का पर्सनल होंगे, और कोई भी आदमी इस वेन्यू को एंटर नहीं कर पाएगा। एंट्री गेट से तो आ जाएगा, लेकिन मेन इंक्लोजर में आने से पहले उसको DFMD के माध्यम से उसका सिक्योरिटी फ्रिस्किंग होगा, सिक्योरिटी चेक होगा। आयोजन स्थल तक पहुँचने के लिए 13 गेट बनाए गए हैं। गेट नंबर 1 से लेकर 9 तक VIP लोगों के लिए है, जबकि आम लोग यूपी लिंक रोड पर मौजूद गेट नंबर 10, 11, 12 और 13 से कार्यक्रम स्थल पर जा सकते हैं। सुरक्षा के मद्देनजर 50 मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। आयोजन स्थल पर 170 CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जबकि 50 पॉइंटेज जूम CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी नजर से बचना किसी के लिए भी नामुमकिन होगा। अगर हम 3 दिन चलने वाले इस कार्यक्रम की बात करें तो पहले दिन शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। पहले दिन अलग अलग देशों के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव अपनी बात रखेंगे। दूसरे दिन संत समागम होगा जिसमें विश्व शांति और अनेकता में एकता का संदेश दिया जाएगा। तीसरे दिन समापन समारोह होगा। जीवन एक उत्सव है, लाइफ इज अ सेलिब्रेशन, और सेलिब्रेशन एक ही चीज़ है ऐसी जो सब लोगों को जोड़ सकता है। यहाँ पे तो सभी पहलू है, म्यूजिक है, मेडिटेशन है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग के कुल 10,000 कार्यकर्ताओं को लगाया गया है, जो 3 दिन तक पूरी व्यवस्था को संभालेंगे। तो तैयार हो जाइए कला और अध्यात्म के अनोखे संगम के लिए। पायल भुयन के साथ रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7। 5 बजे का वक्त है जब कार्यक्रम की शुरुआत होनी है। 40 संगीतकार नाद स्वरम की प्रस्तुति यहां पर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि बारिश हो रही है, और ऐसे में स्थिति क्या है वहां की, पूरे पंडाल का, पूरे इलाके का जायजा लिया हमारी संवाददाता पायल ने। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। वही वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल के शुरू होने से पहले यहाँ पर वेन्यू पे तेज बारिश हो रही है और किसी भी तरीके से इंतजाम नहीं है। अगर आप पूरे स्टेज को देखें तो प्लास्टिक शीट्स में वो ढका हुआ अब नजर आएगा, क्योंकि तमाम आर्टिस्ट वहां जाकर बैठ चुके थे। कार्यक्रम कुछ ही देर में शुरू होने वाला था, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर बहुत तेज बारिश हो गया, ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से हालांकि ये नहीं कहा गया है कि कार्यक्रम को डिले कर दिया गया है, लेकिन अगर आप देखें तो पूरा का पूरा स्टेज अब व्हाइट प्लास्टिक शीट्स में नजर आएगा। ये तमाम वो लोग हैं आर्टिस्ट, ये यहाँ पे खड़े हुए हैं, एक शेड बना के इनसे बात करते हैं। सर आप लोग कहाँ से आए हैं? बैंगलोर, वी हैव कम फ्रॉम बैंगलोर। यस, वी आर ऑल फ्रॉम बैंगलोर। ओके सर, यहाँ पे कोई इंतजाम नहीं है बारिश से बचने के लिए? आप एब्सोल्युटली नॉट वरीड अबाउट इट, इट्स ऑल डिवाइन ग्रेस, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दिस रेन, एंड दिस रेन इज गोइंग टू, अमृत वर्षा है ये, तो अमृत वर्षा, डिवाइन पावर। सर आप क्या बोलना चाहेंगे? यस गुड, इट्स रेन, इट्स गुड, वी आर, दिस इज अ गुड साइन। चलिए यहाँ पे गुड, नो इट्स रेनिंग, इट्स सो हॉट हियर, इट्स रियली रियली गुड दैट वी डोंट हैव एनीथिंग, नो इट्स रियली गुड। चलिए यहाँ पे आपको तस्वीरें दिखाते हैं। तमाम यहाँ आर्टिस्ट ऊपर जाने के लिए तैयार है मंच पे, लेकिन यहाँ पे लोगों का कहना है कि वो लोग खुश नसीब है कि इस परफॉर्मेंस से पहले बारिश हो रही है, क्योंकि बहुत दिन तक हमने देखा किस तरीके से गर्मी थी। वेयर आर यू फ्रॉम?
We are from Assam. Assam state, yes. Now it's raining. What do you want to say? Yes, luck will go. Good, good. मैम यहाँ पे अब बारिश हो गई है. कोई बात नहीं, बारिश तो हो रही है, आशीर्वाद है ये, और हम तो एंजॉय करने आए हैं. एंजॉय करने आप यहाँ पे क्या परफॉर्म करेंगे? हम लोग के साथ असम की टीम है, ये लोग परफॉर्म करेंगे, हम इनके साथ वॉलंटियर्स. तो यहाँ पे आपने देखा तमाम ये जो वॉलंटियर्स है साथ ही कलाकार है वो बारिश से बचने की जरूर कोशिश. जय गुरुदेव, जय गुरुदेव. हुआ है बारिश को लेकर, जय गुरुदेव. बारिश को लेकर बारिश होने लेकिन उत्साह कम नहीं हुआ है. वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र के साथ पायलियन आईबीएन 7 दिल्ली. वैसे हिंदुस्तान की संस्कृति है जब भी कभी बारिश होती, कोई अच्छा कार्यक्रम हो रहा होता है और उसमें अगर बारिश आ जाए तो लोग यही कहते हैं कि ये तो इंद्र देवता का आशीर्वाद है. और यहाँ पर भी लोग यही कह रहे हैं, कुल मिलाकर इंतजार कर रहे हैं किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम लोगों को यहाँ पर नहीं हो रही है. बता दें हमारे साथ दो गेस्ट रहेंगे स्टूडियो में, मैं एक बार परिचय करा देती हूँ. हमारे साथ विजय शंकर तिवारी जी रहेंगे, वीएचपी के स्पोक्स पर्सन है. साथ ही साथ हमारे साथ गौरव बंसल है, एनजीटी लॉयर. चर्चा करेंगे दोनों से, लेकिन उससे पहले ब्रजेश मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि ट्रैफिक की स्थिति भी बहुत नाजुक है. जरा बताएं हालात क्या है बाहर के, और वो तमाम रोज जो कि वेन्यू तक जा रही है, क्या स्थिति है सड़कों पर अभी? बिल्कुल, देखिए मौसम तो सुहाना हुआ है लेकिन ट्रैफिक की परेशानी यहाँ पर ज़रूर है. हालांकि अभी कुछ देर पहले ही जो ट्रैफिक है, जो नोएडा की तरफ से जो ट्रैफिक आ रहा है उसको थोड़ा सा डाइवर्जन दिया गया है, और साथ ही जो अब उन रास्तों को अशोक नगर से होकर लोगों को जाने की हिदायत दी गई है, लेकिन NH24 पर अभी भी हैवी ट्रैफिक है. पुलिस वहाँ पर डिप्लॉय की गई है. इस वक्त गेट नंबर 12 के पास हम खड़े हैं और यहाँ मैं आप दिखा दूँ ट्रैफिक पुलिस यहां पर मौजूद है और लगातार जो गाड़ियां यहां पर रुक रही हैं या फिर यहां से कार्यक्रम स्थल के अंदर जा रही हैं उनको यहां पर रुकने की इजाज़त नहीं है. वो तुरंत यहां से उनको अंदर जाने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर यहां पर स्टॉपेज होता है, यहां पर अगर होल्ड होता है तो ट्रैफिक की परेशानी ज़रूर बढ़ सकती है. अब से कुछ देर पहले यहाँ पर हैवी ट्रैफिक जाम था लेकिन अब चूँकि नोएडा की तरफ से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है तो कुछ राहत ज़रूर मिली है. दूसरी तरफ अगर हम निज़ामुद्दीन की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ भी हल्का ट्रैफिक है क्योंकि ज़्यादातर इस पूरे कार्यक्रम के जो स्थल के जो गेट हैं वो मयूर विहार के इलाके में बने हुए हैं, कुछ गेट जो हैं वो निज़ामुद्दीन के इलाके में बने हुए हैं, लिहाजा वहाँ पर ट्रैफिक कम है. लेकिन अब यहाँ भी हालात कुछ पहले से बेहतर हो रहे हैं लेकिन ठीक नहीं कहा जा सकता क्योंकि दफ्तर के वक्त खत्म हो चुके हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा निकलेंगे और शायद यही वजह है कि ट्रैफिक पुलिस को ये सारी बातें पता थी, इसलिए 2500 अतिरिक्त पुलिसकर्मी जो कि ट्रैफिक के हैं उनको इस पूरे ड्यूटी के दौरान लगाया गया है ताकि लोगों को परेशानी ना हो. बिल्कुल, और वैसे भी ब्रजेश बारिश हो रही है, अक्सर देखते हैं जब भी बारिश होती है तो दिल्ली की सड़कें वैसे ही जाम हो जाती हैं, उस वजह से भी क्या ज्यादा जाम देखने को मिल रहा है यहाँ पर सड़कों पर? देखिए बारिश बहुत कम वक्त के लिए हुई, अगर बारिश ये एक दो घंटे तक होती तो शायद परेशानी ज़रूर हो जाती है, लेकिन कम हुई है बारिश. लेकिन ये जो कम बारिश हुई है उसका भी उसकी एक वानगी मैं आपको दिखा दूँ. सड़कों के किनारे पानी लगना शुरू हो गया, बमुश्किल 15 से 20 मिनट बारिश हुई है, और 15 से 20 मिनट क्या ये नतीजा है कि पानी लग चुका है. हालांकि फिलहाल अभी बारिश बंद हो चुकी है. मौसम विभाग ने चेतावनी ज़रूर दी है कि 12 तारीख और 13 तारीख को बारिश होगी, यानी 12 तारीख को सबसे अधिक बारिश होने की संभावना है. और ऐसे हालात में जिस हिसाब से दिल्ली में दो कार्यक्रम है, श्री रविशंकर का कार्यक्रम है और एक और धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है, लिहाजा मुश्किल हो सकती है लोगों के लिए. और इन सभी मुश्किलों से निपटने के लिए हालांकि पुलिस की प्रायोरिटी ये है कि ट्रैफिक से जुड़ी समस्या लोगों के लिए ना हो, लिहाजा ट्रैफिक का डिप्लॉयमेंट, ट्रैफिक पुलिस का डिप्लॉयमेंट हर एक उस इलाके में कर दिया गया है जहां पे इस तरह के सत्संग के कार्यक्रम है. और इसके बीच आज शादियों, जो दिल्ली में शादियां भी बहुत हैं, जो एक पुलिस के लिए सिरदर्द है कि क्या कहीं शादियों की वजह से ट्रैफिक की परेशानी लोगों को ना हो, इसके भी डेवलपमेंट जरूर किए गए हैं. ट्रैफिक पुलिस के लिए आज एक बड़ा इम्तिहान जरूर है. ब्रजेश आप रहिए हमारे साथ, दो खास मेहमान भी हैं, हम आपको तस्वीरें भी दिखाते जाएंगे साथ ही साथ कार्यक्रम की झलक भी हम आपको दिखाते जाएंगे क्योंकि ठीक 5 बजे का वक्त है. इससे पहले कि मेहमानों के पास जाएं मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि कार्यक्रम क्या क्या रहने वाले हैं. 5 बजे का वक्त है जब तमाम मेहमान वहां पर पहुंचेंगे वेन्यू में, और वहां पर सभी का स्वागत होगा. 40 संगीतकार जो है वो नाद स्वरम की प्रस्तुति करेंगे. इसके बाद ग्रैमी नॉमिनी चंद्रिका टंडन की परफॉर्मेंस होगी.
हजार पंडित उसके बाद वेद मंत्रों का उच्चारण करेंगे। ये सबसे पहला कार्यक्रम है 5 से 5:15 और 5:15 बजे बता दें कि जस्टिस आरसी लाहौटी का संबोधन होगा और उसके बाद आर्ट ऑफ लिविंग के 35 साल के सफर की एक झलक पूरे पंडाल में वहां पर दिखाई जाएगी। इसके बाद का वेन्यू कार्यक्रम क्या रहेगा वो मैं आपको बताती रहूंगी। दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है विजय शंकर जी। हालांकि सभी जो कलाकार वहां पर पहुंचे वो तो यही कह रहे हैं कि ये तो आशीर्वाद है इंद्र देवता का हमारे पे और ये तो गुरु जी की कृपा है जो बरस रही है, इसलिए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर लोग बहुत खुश हैं। देखो लो जो क्या है कि आपने देखा होगा कि ये जो आध्यात्मिक शक्ति है ये बहुत प्रबल शक्ति होती है और लोग बड़ी संकल्प शक्ति के साथ आते हैं तो कोई बाधा उनको किसी प्रकार से कभी रोक नहीं सकती। ये पहला कार्यक्रम नहीं है, ऐसे आपने अनेकों कार्यक्रम देखे होंगे ऐसे अध्यात्म के और धार्मिक कार्यक्रम जहां पर कोई भी बाधा उनको नहीं रोक सकती। आप एक चीज़ समझ लीजिए कि कई दिन से मीडिया में जो ये विषय चल रहा था तो लोगों के बीच में एक सस्पेंस बन जाना चाहिए था और सस्पेंस क्या हो जाने पता नहीं जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो आप देख रहे होंगे वो सस्पेंस नहीं बना। जो लोग संकल्प के साथ खड़े थे कि मुझे जाना है वो किसी भी खबर से प्रभावित नहीं हुए। नहीं वो उसमें मीडिया की कोई गलती नहीं है उसमें, नहीं मीडिया को दोषी नहीं बता रहा मैं ये कह रहा हूँ ये तो समाचार खबर दिखा रहे हैं। नहीं मैं लौटती हूँ आपके पास, जरा हम वेन्यू पर सीधा चलते हैं वहाँ पर इस वक्त। अगेन फ्रॉम महाराष्ट्र इंडिया 600 मृदंगम प्लेयर्स। महाराष्ट्र के पंढरपुर जिले के विठोबा मंदिर में तीर्थयात्री पदयात्रा करते हैं, इनके साथ साथ पखावज और मृदंगम वादक भी चलते हैं। इसी यात्रा से प्रेरणा लेते हुए महाराष्ट्र के 500 पखावज वादक एक साथ एक मंच पर। सभी आचार्यगण हरिओम लाइन से खड़े हों, पंक्ति में खड़े हो जाइए, पंक्ति बद्ध होकर के खड़े हों, पंक्ति बद्ध हो जाइए, केवल सामने और देखें, कोई भी इधर उधर न घूमे। विजय शंकर जी, विश्व सांस्कृतिक महोत्सव और उसमें सबसे पहले हिंदुस्तान की संस्कृति की झलक यहाँ पर दिखाई जा रही है और ऐसे हालांकि दर्शकों को बता दें कि कार्यक्रम हम आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे लेकिन जरा इस तस्वीर को बताइए विजय शंकर जी। देखो एक बात देखिए कि 36,000 वो संगीतज्ञ जो भारतीय संगीत में तज्ञ हैं और जब एक साथ उसका वादन करेंगे, एक एक संगीत के विषय में भारत में कहा जाता है कि वो बड़ी शक्ति होती है और जब 36,000 वाद्य संगीत और भारतीय संगीत शास्त्रीय संगीत इनका जब वादन होगा तो नवजोत जी उस वातावरण को देखने वाला होगा कि उसका जो वातावरण है उसका रिदम है वो कितना पॉजिटिव होगा और वहाँ के लोग कितने संकल्प शक्ति वाले और इस का आनंद लेकर के और अपने क्षेत्र में जाकर इसका गुणगान करने वाले होंगे। केवल भारत के लोग यहाँ पर नहीं आए हैं, 155 देशों के लोग, 35 लाख लोग, इतने लोग इकट्ठा होने वाले हैं। तो आप इससे पहले जब बर्लिन में हुआ था तब इतनी बड़ी संख्या में शायद लोग इकट्ठा नहीं हुए थे, तब संख्या कम थी और तब वहां पर भी मौसम बिल्कुल ऐसा ही था, जी जी वहां भी बारिश हो रही थी और यहाँ भी शुरुआत कार्यक्रम की जो हुई है वो भी बारिश के साथ। आप समय समय पर देखते होंगे, हमने मुझे तो बहुत सामाजिक काम करते हुए बहुत लंबा अवसर हो गया, जब भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो बरसात जरूर होती है, जब लगभग लगभग बरसात होती है तो ये संकेत इसलिए देख रहे हैं कि आप ट्रेंड में क्या। मैंने शुरुआत में कहा कि हिंदुस्तानी संस्कृति है कि जब भी ऐसे कार्यक्रमों में बारिश होती है हम कहते हैं कि इंद्रदेवता वहाँ के नौजवान वहाँ के आशीर्वाद हमें मिल गया है। गौरव ठीक है, इंद्रदेवता का आशीर्वाद हमें मिल गया है लेकिन वही बात जहां पर आकर समस्या थी कि यमुना बेल्ट पर और अगर कहीं बारिश तेज हो जाती है तो शायद कार्यक्रम में खलल जरूर पड़ सकती है। मैम यही एक मेन मुद्दा है कि अगर ज्यादा बारिश हो गई और पानी इतनी बारिश हुई कि यमुना जी पे असर आ गया उस बारिश का तो क्या इंतजाम है उस डिजास्टर से निमटने के लिए इंतजाम। हालांकि मेरी सारी के सब लोगों को वेल विशेज हैं मगर तब भी एक
एस्पेक्ट ये भी देखना है कि बाय द वे कुछ अनहोनी हो तो उससे रिलेटेड प्रॉपर हमारे पास इंतजाम होने चाहिए जिससे कि हम निमट लें, क्योंकि यहाँ पे बहुत एक आप लगा लीजिए जिस हिसाब से बताया 35 लाख लोग, तो अभी तो करीब करीब लाखों में तो है ही लोग, तो इन लोगों की जान की जो एक सिक्योरिटी है, इन लोगों की जो सिक्योरिटी है इसका भी, और क्या कहते हैं साथ में खुद इस ऑर्गेनाइजेशन का भी एक बहुत बड़ा नाम है, तो इन इन लोगों पे भी एक एक क्या कह सकते हैं एक अपने आप में एक क्या कह सकते हैं एक एक वो शब्द नहीं मिल पा रहा उसके लिए कि एक चैलेंज है इनके लिए, हाँ जी, बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरीके से इस कार्यक्रम को भी सफल बनाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से बारिश हो रही है और मेट डिपार्टमेंट वैसे ही कह चुका है कि 12 और 13 तारीख को और ज्यादा बारिश हो सकती है, अगर ऐसी स्थिति होती है मौसम की तो उसके बाद एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा तमाम वॉलंटियर्स के लिए भी, हालांकि 10,000 के करीब वॉलंटियर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। बहरहाल तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे, इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, तुरंत लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। यमुना किनारे श्री श्री पुकारे, और आपको बता दें कि वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है, 5 बजे का वक्त था और तमाम कलाकार, दुनिया के तमाम कलाकार वहां पर पहुंचे हुए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि 40 संगीतकार इस वक्त नाच स्वरम की प्रस्तुति कर रहे हैं, इसके बाद ग्रैमी नॉमिनी चंद्रिका टंडन की परफॉर्मेंस होगी, 1000 पंडित इसके बाद करेंगे वेद मंत्रों का उच्चारण। ये है अभी तक का कार्यक्रम, लेकिन किस तरह की शुरुआत हुई है, कितने उत्साहित हैं लोग वहां पर, कैसे जीने की कला सीख रहे हैं लोग वहां पर, बता रही मेरी सहयोगी पायल। मौसम सुहाना हो चुका है और यहाँ पे तमाम डांसर्स मौजूद है। कहाँ से आप लोग? दिल्ली। दिल्ली से क्या परफॉर्म करने वाले हैं? भरतनाट्यम डांस। चलिए आज थोड़े से बीट अपने पैरों से करके दिखाएंगे, करके दिखाइए सब लोग। तो ये खूबसूरत बच्चे हैं जो यहाँ पे परफॉर्म करने आए हैं लाल लाल रंग में यहाँ पर, एक्साइटेड है? हाँ। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से? हम यहाँ से पूरे वर्ल्ड को मैसेज देना चाहते हैं कि कल्चर इज एवरीथिंग एंड इंडिया हैज अ बिग हेरिटेज। आप बताइए आप एक्साइटेड हैं? कितनी उम्र है आपकी? 12। आप इतनी छोटी लग रही है मुझे, ये बताइए इतने बड़े स्टेज में परफॉर्म करने जा रही, नर्वस है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलिए क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ से? नहीं बस सब ये देखे, मुझे बहुत खुशी मिलेगी, सब बस ये देखे रहे। आई एम फीलिंग वेरी गुड एंड सबसे मेन की मैंने एक एक्टर को देखा है और वो भी विनी। चलिए ये बच्चों की खुशी यहाँ पे दर्शा रही है और उनका कहना है कि ये बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र कालेर के साथ पायल भुयन, IBN 7 दिल्ली। तो ये तस्वीरें वेन्यू के अंदर की हैं जहां पर छोटे छोटे बच्चे तमाम बड़े कलाकार वहां पर प्रस्तुति के लिए तैयार हैं, लेकिन वेन्यू के बाहर की हालत क्या है जरा वो भी देख लीजिए। तस्वीरें हम आपको वहां की भी दिखाते हैं क्योंकि बड़ा लंबा ट्रैफिक जाम, ये NH 24 की तस्वीरें हैं आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, जहां पर एक बड़ा ट्रैफिक जाम जिससे दो चार हो रहे हैं लोग, ये सड़क की तस्वीरें। और आपको बता दें कि ब्रजेश कुछ समय पहले बता ही रहे थे क्योंकि आज शादियों काफ़ी बड़ी संख्या में शादियां भी हैं दिल्ली और NCR में, इसके अलावा श्री रविशंकर का ये प्रोग्राम, आर्ट ऑफ लिविंग का ये प्रोग्राम, और ऐसे में दिल्ली और NCR में हैवी ट्रैफिक जाम देखने को मिलेगा, लोग दो चार होंगे इस हैवी ट्रैफिक जाम से। हालांकि आज शुक्रवार का दिन है, वर्किंग डे है, 5 बज चुके हैं, दफ्तरों की छुट्टी हो चुकी है, ऐसे में अब क्योंकि लोग घरों की तरफ जा रहे हैं तो ऐसे में सड़कों की स्थिति शायद अगले 4 से 5 घंटे आपको इसी तरह की देखने को मिले। भले ही दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने काफी ज्यादा इंतजाम किए हुए हैं, तमाम अपने पुलिस बलों को तैनात किया हुआ है सड़कों पर, लेकिन फिर भी हैवी ट्रैफिक जाम आपको देखने को मिलेगा। और सुबह से ही हम आपको लगातार बता भी रहे हैं और साथ ही साथ रूट भी बता रहे हैं कि ऑल्टरनेटिव रूट क्या हो सकता है, अगर आप जो मेन पीक आज के टाइम पे मेन रोड्स हैं अगर आप उनको अवॉइड करके ऑल्टरनेट रूट लेते हैं तो शायद थोड़ा फायदा आपको हो जाएगा, शायद थोड़ा जल्दी आप घर पहुंच जाएंगे। लेकिन दो तस्वीरें, एक तरफ वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल की तस्वीरें,
भव्य समारोह की शुरुआत हो चुकी है और वहीं बाहर की ये तस्वीर जहां पर हैवी ट्रैफिक जाम से लोग दो चार हो रहे हैं। तो दो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, दिल्ली के बहुत से ऐसे इलाके हैं, ये फिलहाल NH24 की तस्वीर है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर इस तरह की स्थिति है, सड़कों पर हैवी ट्रैफिक जाम है। 5:30 का वक्त हो चुका है और ट्रैफिक अपडेट एक बार ले लेते हैं। ब्रजेश हमारे संवाददाता पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, एक ट्रैफिक अपडेट ब्रजेश, क्या स्थिति है सड़कों पर अभी? देखिए, अब से एक घंटे पहले ट्रैफिक काफी हैवी हो चुका था, मयूर विहार के आसपास की अगर बात करें तो वहां पर काफी हैवी ट्रैफिक था, लेकिन अब डायवर्जन शुरू किया गया है, नोएडा की तरफ से ही डायवर्जन शुरू किया गया और जो लोग नोएडा से होते हुए दिल्ली की ओर आ रहे हैं उसके लिए नोएडा पुलिस ने DND का वैकल्पिक रास्ता दिया है और साथ ही अशोक नगर की ओर से भी लोगों को आने की हिदायत दी जा रही है, ताकि जो मयूर विहार वाला पूरा पैच है नोएडा एंट्री गेट से लेकर अक्षरधाम तक का जो पूरा इलाका है वहां पर ट्रैफिक कम हो सके और उसका असर भी अब देखने को मिल रहा है। काफी ट्रैफिक अब यहां पर कम हो चुका है, लेकिन ट्रैफिक हैवी की अगर बात करें तो अभी भी जो NH24 का पूरा इलाका है वहां पर हैवी ट्रैफिक अभी भी देखने को मिल रहा है। पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस पूरे ट्रैफिक को हटाया जाए ताकि लोगों को परेशानी कम से कम हो पाए। बिल्कुल, लेकिन पीक आज है, 5 बजे 5:30 का वक्त हो चुका और ऐसे में दफ्तरों की भी छुट्टी होगी, तो ब्रजेश लग रहा है कि अभी कम से कम 3-4 घंटे का वक्त और लग सकता है, हालांकि भले ही दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने तमाम इंतजाम किए हों। आप रहिए हमारे साथ, दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन हम आपको एक बार फिर से उसी कार्यक्रम में लिए चलते हैं जहां पर फिलहाल शुरुआत हो चुकी है वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल की और तमाम कलाकार अपनी प्रस्तुति वहां पर दे रहे हैं। हमारे सहयोगी शीतल कुछ और तस्वीरें लेकर आई हैं, जरा वो देख लेते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग फेस्टिवल में हम यहाँ है, यहाँ पर बहुत बड़ा स्टेज लगा है, लेकिन मौसम की मार यहाँ पर देखने को मिल रही है, लगातार बारिश बीच बीच में रुक रुक कर होती जा रही है और इससे काफी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जो अपने इंस्ट्रूमेंट्स लेकर आए हैं लोग वो सब अपने इंस्ट्रूमेंट्स को ढक रहे हैं, खुद को ढक रहे हैं, और हमारे पीछे सारे आप डांसर्स को देख सकते हैं, बहुत सारे डांसर्स यहाँ पर है और उसके ऊपर जो लोग आगे जो परफॉर्म करने वाले हैं वो अपने सर को प्लास्टिक से ढक कर खुद को बारिश से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बारिश के लिए पूरी तरह से इंतजाम यहाँ पर शायद नहीं रहे इसकी वजह से, और मौसम विभाग का भी कहना है कि आने वाले 2 दिनों तक लगातार इसी तरह बूंदाबांदी होती रहेगी, जिसके चलते ये देखना होगा कि ये बारिश इस पूरे भव्य इवेंट में कितना खलल डाल देगी। मेरे सहयोगी पुजारी के साथ शीतल नांदिल, IBN 7 दिल्ली। मुश्किल हो रही है, लेकिन भले ही मौसम थोड़ी खलल डाल रहा हो लेकिन हौसलों में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, ये तस्वीरें वाकई ऐतिहासिक तस्वीरें कहलाएंगी, क्योंकि एक शख्स जिसने UN के माध्यम से योगा को पूरी दुनिया में पहुंचाया और दूसरा शख्स वो जो कि अध्यात्म को पूरी दुनिया के बीच पहुंचा रहा है, दोनों एक मंच पर हैं और यहां पर आज दुनिया देख रही है हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की संस्कृति से रूबरू हो रही है हिंदुस्तान की शान, आज हिंदुस्तान दुनिया को ये दिखा रहा है कि जीने की कला अगर आप सीखना चाहते हैं तो देखिए हमारी तरफ। और ये वो तस्वीरें बयां कर रही हैं, वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल की तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और भव्य स्वागत यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और उनके साथ श्री श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग के वहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर हैं। ये ऐतिहासिक तस्वीरें विजय शंकर जी कुछ एक्सप्लेन करेंगे इनको, क्योंकि आज दुनिया देख रही है, दुनिया सीख रही है हिंदुस्तान से कि जीना कैसे है। नवजोत, क्या कि आर्ट ऑफ लिविंग जैसा शब्द है उसी प्रकार का उनका काम है। आज की जो आपाधापा की जिंदगी है उसमें समाज बहुत परेशान है, अनेकों समस्याओं से वो ग्रसित है, उनके बीच में कोई मसीहा बोले कि मैं आपके लिए उपाय लेकर के आया हूँ तो आप समझ सकते हैं कि तुरंत लोग उसके लिए तरफ बढ़ते हैं। इसमें केवल आध्यात्म का विषय नहीं है आर्ट ऑफ लिविंग में नवजोत जी, इसमें योग है, इसमें अध्यात्म है, इसमें संगीत है, और तीनों के विषय में हमारे यहाँ एक सोच है, एक चिंतन है। योग के विषय में कहते हैं कि आप सहज योग से आप मोक्ष तक की प्राप्ति कर सकते हैं, और वही परिकल्पना आपके अध्यात्म में भी है कि ध्यान धारणा समाधि से आप मोक्ष तक की प्राप्ति कर सकते हैं, और यही स्थिति उन्होंने संगीत के विषय में बनाई है कि संगीत एक लय होने के बाद आदमी मोक्ष तक की प्राप्ति कर सकता है, और इसके लिए आप देखो जितना परेशान है आदमी दुनिया में कितना परेशान है आपको भी पता है, विभिन्न मानसिक व्याधियों से परेशान है, ऐसे में कोई उसको शांति देने की बात करे वो एकमात्र भारतीय जो विद्या है जिसको हम योग बोलते हैं,
जिसको हम संगीत बोलते हैं, जिसको हम साधना बोलते हैं, जिसको अध्यात्म बोलते हैं, उसके माध्यम से संभव है। और श्री श्री रविशंकर जी ने ये करके दिखाया है। आप अगर परिणाम ना आवे तो आप ये समझ सकते हैं कि बिना परिणाम के कभी भी कोई किसी का खिंचता नहीं है। तो परिणाम लोगों को मिले हैं तभी ये संभव हो पाया। बिल्कुल, परिणाम मिले हैं, लोगों ने सीखी है ये कला, और इसीलिए शायद इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, ये बानगी है। और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। गौरव, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, अब बारिश हालांकि हो रही है, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें जहाँ पर आज पूरी दुनिया देख रही है हिंदुस्तान की तरफ और सीख रही है हिंदुस्तान से, चाहे वो योग हो चाहे वो आध्यात्म हो, और इसी के जरिए जिंदगी कैसे जीनी है, कैसे सरल बनाना है, यानी आपाधापी से परे किस तरीके से हम अच्छे माहौल में, पॉजिटिविटी में अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। जी देखिए, ये तो बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके की आज की लाइफ हो गई है, और खासकर जो मेट्रो सिटीज़ की लाइफ है वो बहुत ज़्यादा तेज, बहुत ज़्यादा एक रफ्तार पकड़ी हुई लाइफ है, और उसमें एक ऐसा पल जहाँ पर कि ये एक ऐसा एक इवेंट जिसमें संगीत भी है, अध्यात्म भी है, वो डेफिनेटली एक ऊर्जा देगा और उससे लोगों को लाभ मिलेगा। तो ये एक ये भी बात है, और साथ में कई चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं इन सब चीज़ों से। तो अपेक्षा यही है सब लोगों को कि जो भी कुछ यहाँ पे होगा लोग उससे सीखेंगे। बच्चे हैं, आप देखो कितनी ऊर्जा है उनमें, वो सब कितने खुश हैं और सब कुछ ना कुछ सीखने के लिए आए हैं। तो डेफिनेटली एक सीखने का माहौल है, और अब प्रधानमंत्री जी भी जैसे अब आ गए हैं तो एक वहाँ उनके तो आने से ही ऊर्जा बन जाती है, तो देखते हैं और क्या होता है। बिल्कुल, पायल हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है वेन्यू से ही। पायल, यहाँ पर वही बात हो रही है कि कैसे दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देख रही है, और कैसे एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग एक सुर में बात कर रहे हैं और एक सुर में कह रहे हैं कि जीने की कला सीखनी है तो हमसे सीखिए। आप भी वहां पर मौजूद है, जरा तस्वीरें बताइए, क्या क्या देख रहे हैं आप वहां पर, किस तरह का कार्यक्रम है, क्या कुछ हो रहा है वहां पर? बिल्कुल सही कहा नवजोत आपने कि अगर जीने की कला सीखनी, और किस तरीके से यहाँ पर खुद लोग आके एक एक काम संभाल रहे हैं वो यहाँ पर जरूर सीखने वाली बात है। हर चेहरे पे आपको यहाँ पे मुस्कान नजर आएगी। नवजोत आपको बताऊँ कि इतने ट्रैफिक और इतनी परेशानी के बाद लोग यहाँ पहुंचे, लेकिन सबके चेहरे पर यहाँ पर मुस्कान है। इतनी बारिश यहाँ पर हो चुकी है, छत नहीं है, कोई बारिश से कोई बचाव नहीं है, लेकिन सबका कहना यही है कि ये तो सिर्फ एक ब्लेसिंग है जो भगवान की तरफ से हमें मिल रही है। हम इतने बड़े इवेंट में यहाँ पर शिरकत किया है जहाँ पे 155 से ज्यादा देशों के लोग यहाँ पर मौजूद होंगे, और वो भारत की विविधता, एकजुटता, और जो यहाँ से संदेश देने की कोशिश की जाएगी वसुदेव कुटुंबकम, उसका मैसेज यहाँ से लेकर आगे बढ़ेंगे। नवजोता को बताऊँ की पूरे के पूरे माहौल जो है वो यहाँ पर उत्साहित नजर आ रहा है, मंत्रोच्चारण यहाँ पर किए जा रहे हैं। हालांकि प्रोग्राम में थोड़ा सा विलंब जरूर है बारिश की वजह से, थोड़ी देर पहले नवजोत यहाँ पे ओले जरूर गिरे थे, लेकिन मौसम जो है वो लगातार बदलता जा रहा है। शांति का उत्सव है, हम सब विश्व के 155 देशों से आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, और साथ ही आज लाखों लोग हमारे साथ टीवी के माध्यम से, वेबकास्ट के माध्यम से जुड़े हुए हैं। इस उत्सव के माध्यम से आज इतिहास रचा जा रहा है, और पूरे विश्व एक परिवार की तरह यहाँ आकर खड़ा हो गया है। इन 3 दिनों में 35,973 कलाकार, संगीतकार, अदाकार हमें अपनी कलाओं से मंत्रमुग्ध करेंगे, और पूरी दुनिया के बहुत से नेता हमारे साथ अपने विचार बांटेंगे। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, जो हम छोटे से ब्रेक के बाद हम लौटेंगे, आप रहिए हमारे साथ। यमुना किनारे इस कार्यक्रम की झलकियां हम आपको दिखा रहे हैं। विश्व सांस्कृतिक महोत्सव यानी वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है, और हम आपको लगातार तस्वीरें भी दिखाते जा रहे हैं वहां से। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं वहां पर, और कुछ ही देर में अभी श्री रविशंकर भी तमाम जो लोग वहां पर उन्हें संबोधित करेंगे, और उसके बाद प्रधानमंत्री भी सभी को वहां पर संबोधित करेंगे। दो खास मेहमान स्टूडियो में मेरे साथ बैठे हुए हैं। विजयशंकर जी,
सकारात्मक ऊर्जा के साथ अगर कोई चीज की जाती है तो वो पूरे माहौल को सकारात्मक बना देती है, और यही संदेश एक तरीके से आर्ट ऑफ लिविंग श्री श्री रविशंकर की तरफ से देने की कोशिश हो रही है। देखो बहुत बड़ी बात क्या है नोजो जी, यमुना किनारे ये जो कलिंदी कुंज है ये यमुना किनारा है, ये बहुत समाज परिवर्तन का ये साक्षी रहा है हमेशा। आप देखिए ना, भगवान कृष्ण ने जो उस समय जिस प्रकार का माहौल था, आज से भी ज्यादा खराब था, आज जैसा उससे भी ज्यादा खराब था, उसको ठीक करने के लिए उन्होंने जो भी लीलाएं की, जो भी संगीत वादन किया, वो सारा इसी यमुना के किनारे ही किया, और उसी यमुना से किनारे से उस सारे के सारे माहौल में उन्होंने परिवर्तन लाया। आप रसखान देख लीजिए, आप तुलसीदास जी देख लीजिए, तुलसीदास जी ने समाज परिवर्तन के लिए कहाँ तक गए, संगम के किनारे बैठ करके उन्होंने रामायण जो हमारे सामने आज दिखाई पड़ रही है उसका कितना बड़ा प्रभाव है। तो ये जो श्री श्री रविशंकर जी है, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि समाज परिवर्तन के वाहक के रूप में उन्होंने काम किया है। और यमुना किनारे बहुत कितनी कठिनाइयाँ आप देख रहे होंगे कि अच्छा काम सहज सरल नहीं होता, कभी नहीं होता। इस अच्छा काम करने के लिए कितनी कठिनाई झेलनी पड़ी, कभी कोई कठिनाई, कभी कोई कठिनाई, कभी कोई कठिनाई, लेकिन अगर सात्विक मन से, निश्चल मन से आप कोई संकल्प करते हैं तो उसकी पूर्ति ईश्वर करता है और निश्चित तौर पर वो काम पूरा होता है और उसका परिणाम मिलता है। हाँ, एक और चीज़, एक और बात मैं आपसे जानना चाहूँगी और समझना चाहूँगी, ये 35 साल पूरे हो रहे हैं उस उपलक्ष्य पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इससे पहले बर्लिन में भी ये कार्यक्रम हुआ था जिसमें बड़ी संख्या में, यहाँ पर तो और ज़्यादा 35 लाख लोग आ रहे हैं, वहाँ पर शायद संख्या थोड़ी सी कम थी, 10 लाख थे लोग। अब ये संदेश क्या है, क्या दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं श्री श्री रविशंकर? देखो भारतीय संस्कृति कितनी समृद्ध है और कितनी परिणामकारी है, जो तुरंत परिणाम देती है। आज देखो दो चीज़ें हैं भारत में भी, दो प्रकार के मानसिकता हैं। एक वो लोग हैं जो बोलते तो प्रोग्रेसिव हैं लेकिन प्रोग्रेसिव नहीं है, वो हजारों साल पुरानी जो जांगलिक संस्कृति थी उस पर कृत्य उनके वो होते हैं जो जंगली संस्कृति के होते थे। और एक जो पुरातन संस्कृति है जिसको हम कहते हैं प्राचीन संस्कृति, वो कितनी आधुनिकतम है। ये देखो समय समय के साथ सारी परिवर्तन करना पड़ता है, लेकिन श्री श्री जी ने जो एक कॉम्पैक्ट बनाया, हमने पहले आपको कहा था कि योग, अध्यात्म और संगीत, कोई केवल संगीत पर काम कर रहा है, कोई केवल अध्यात्म पर काम कर रहा है, कोई केवल योग पर काम कर रहा है, कोई, लेकिन उन तीनों का संमिश्रण कर, ब्यूटी क्या है, ब्यूटी ये है कि तीनों का संमिश्रण करके एक कॉम्पैक्ट चीज बनाना और वो लोगों को देना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि श्री श्री जी की है। और वो भाग्यवान लोग हैं जो उसका उपयोग करते हैं और उससे समाधान प्राप्त करते हैं। यानी योग, अध्यात्म और संगीत जब एक साथ मिल जाते हैं, मिलाकर तीनों में अपने आप में सकारात्मक ऊर्जा है, लेकिन जब तीनों साथ मिल जाते हैं तो किस तरह का बदलाव होगा, किस तरह की वो पॉजिटिव एनर्जी पूरे वातावरण में आएगी और किस तरीके से देखने वाले वहां से एक सकारात्मक ऊर्जा लेके जाएंगे और उसी ऊर्जा का फैलाव पूरे दुनिया में होगा। हिंदुस्तान गवाह बन रहा है और आज हिंदुस्तान की धरती, आज यमुना की धरती, यमुना के पास तमाम लोग जहां पर लोग इकट्ठा हुए हैं वो गवाह हैं इस सकारात्मक ऊर्जा के और इतने बड़े कार्यक्रम के, और यहाँ से एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ लोग जाएंगे और यही संदेश पूरी दुनिया को देने की एक तरीके से कोशिश की जा रही है। गौरव, हम तमाम ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, हम उसको एक तरफ रख देते हैं, लेकिन आज अगर हम इस मंच को देख रहे हैं जो मैसेज है आर्ट ऑफ लिविंग का कि आइए योग, अध्यात्म और संगीत के जरिए जुड़िए हमारे साथ और लेकर जाइए सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी, और फिर देखिए कि अपने आप में कितना बदलाव आता है। जीने की कला यहीं से शुरू होती है, मानते हैं? जी बिल्कुल। और देखिए आप इसका नाम भी देखिए, नाम रखा गया है वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल, तो ये दर्शाता है कि सिर्फ भारत की ही सभ्यता जो कल्चरल एक्टिविटीज है उसके साथ साथ सारी वर्ल्ड की जो कल्चरल फेस्टिवल्स हैं और जो सारे वर्ल्ड के कल्चर हैं उनको एक जगह लाके रखा है, एक मंच के नीचे लाके रखा है और दर्शाने की कोशिश की गई है कि हो सकता है हमारी वाणी अलग हो सकता है हमारी वेशभूषा अलग हो, मगर जो हम मैसेज देना चाहते हैं या जो हर कल्चर एक मैसेज देना चाहता है, एक पीस का और एक पॉजिटिविटी का जो एक मैसेज देना चाहता है, वो उस शो का पूरा मिशन है और इसका थीम भी। चलिए इन्हीं तस्वीरों के साथ हम ले लेते हैं एक छोटा सा।